हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक। गाइस, जो अपन आज शुरू करेंगे 51 से आगे के जो क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आर एस अग्रवाल की जो हिंदी वाली बुक है उसके अंदर, ठीक है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो अपन लास्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं। अब इस पार्ट के अंदर जो है आगे वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको खुद को पहले साथ में ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। एक बार स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। देखो, अपने पास एक आइडेंटिटी गिवन है कि cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू रूट टू cos x, और अपन को पूछा है कि cos x माइनस का साइन x कितना होगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है गाइज, आप एक बार देखना ध्यान से, कि अगर आपको देखा है क्वेश्चन के अंदर a साइन x प्लस b cos x इज इक्वल टू c, ठीक है, और नीचे दे रखा है आपको कि a cos x माइनस का बी साइन एक्स इज इक्वल टू डी, इस तरीके की कोई आइडेंटिटी गिवन हो जिसके अंदर बिल्कुल, देखो आइडेंटिटी दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, बस हुआ क्या है कि ये जो साइन ए और ये जो कॉस एक्स है, साइन एक्स और ये जो कॉस एक्स है, इनके कॉफिशेंट जो इंटरचेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे साइन के साथ ए है तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे क्या है, ए है, और ये जो मेन साइन है प्लस से क्या हो गया है, माइनस हो गया है। तो इस टाइप की जब भी कोई आइडेंटिटी मिलती है तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप की ये जो आइडेंटिटी है इसका प्रूफ जो होता है, ये प्रूफ अपन अलग से जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखेंगे तब अपन करेंगे। फिलहाल ये आइडेंटिटी आप अलग से नोट करके लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आती है। तो यही कुछ इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन जो है, देखो ये है, यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को कि कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है रूट टू कॉस एक्स, और अपन को पूछा क्या है कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। बिल्कुल देखो सेम आइडेंटिटी, यहाँ पे देखो वन है तो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ पे क्या है, देखो माइनस का साइन है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी क्या कर देंगे, वन का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी क्या कर देंगे, फिर से वन का स्क्वायर, वन हो जाएगा। उसके बाद सामने क्या करेंगे, सी का स्क्वायर, इसका सी का स्क्वायर करेंगे, देखो रूट टू का स्क्वायर तो टू हो गया, और कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और प्लस क्वेश्चन मार्क अपन को निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क को एक बार के लिए मैं मान रहा हूँ पी, मुझे क्या करना है पी का स्क्वायर फाइंड करना। देखो वन और वन कितने हो गए अपने पास, वन और वन हो गए टू, और ये जो टू कॉस स्क्वायर एक्स है वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का टू कॉस स्क्वायर एक्स, और इक्वल में क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में जब मैं टू कॉमन लेता हूँ अंदर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है यहाँ तक, और इक्वल में क्या दे रखा है, पी स्क्वायर। ये जब स्क्वायर इधर आएगा तो देखो पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ से देखो कितना हो गया, ये रूट टू, और साइन स्क्वायर के ऊपर जब रूट लगेगा तो वो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी फाइनली जो है अपना आंसर कितना होगा, रूट टू साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है गाइस, आपको याद रखनी है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी देखो उसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एट, और ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव। यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे कॉस के साथ ए है लेकिन यहाँ पे देखो साइन के साथ ए, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया, साइन भी चेंज हो गया, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, आठ, आठ का स्क्वायर कितना होगा, चौंसठ, प्लस डी का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर कितना होगा, पच्चीस, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 64 और 25 कितने हो जाएंगे अपने पास, 89, यानी अपना आंसर कितना हो गया, 89, ऑप्शन नंबर सी। अपन को पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, यानी ऑप्शन नंबर सी 89 जो है अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है कि x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू वन, और x अपॉन ए साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का वन, और ये एक्सप्रेशन जो है अपन को पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन अपन को गिवन नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही गिवन है। देखो कैसे करना है, इसको करते हैं अपन, एक बार स्लाइड को थोड़ी छोटा कर देता हूँ मैं। देखिए अपन को दे रखा है दो इक्वेशन है, सिंपल सी चीज है, दो इक्वेशन है और आपको वैल्यू पूछी है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो x अपॉन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा है, इज इक्वल टू कितना हो गया वन, और यहाँ पे कितना है, देखो x अपॉन ए साइन थीटा माइनस का वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, माइनस का वन दे रखा है।
अगर देखो अपन इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो अगर मैं इस पूरी चीज को देखो काट देता हूँ इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा काट देता हूँ, तो यहाँ से अपन को एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगा? अच्छा ये कटेगा नहीं, डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ना इनके अलग अलग है, इसको डायरेक्ट अपन को ऐड ही करना पड़ेगा। देखो ऐड करके देखते हैं, ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे अपन को कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखो मैं बताता हूँ आपको, इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर लो, और इस पूरी की पूरी इक्वेशन को भी क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करने पर क्या करते हैं, स्क्वायर कर ऐड करते हैं, तो अगर अपन को कुछ मिल सकता है तो ठीक है। तो स्क्वायर जब मैं करता हूँ ये कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, प्लस में टू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। ये जो इक्वेशन थी ना पहली वाली, इसको मैंने क्या किया दोनों तरफ होल स्क्वायर करके लिखा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, अपन डायरेक्टली काट नहीं सकते, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है ना वो अलग अलग है, मैं डायरेक्टली कोफिशिएंट सेम समझ के काट रहा था उनको। अब क्या करना है कि सेकंड वाली जो इक्वेशन है ना इसको भी अपन स्क्वायर करके देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करके देखता हूँ कितना आ रहा है। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का कितना आ जाएगा टू एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना वन। क्लियर है? अब एक बार देखिए, अब क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन आई है इतनी बड़ी सी अपने पास, और ये जो सेकंड नंबर इक्वेशन आई है अपने पास बड़ी सी, इसको क्या करते हैं अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो ऐड करने पर क्या होगा कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है प्लस का है, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है देखो माइनस का है, आपस में पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें और इसमें आप एक चीज देखोगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इस वाले टर्म के अंदर और इस वाले टर्म के अंदर देखो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर फिर से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वाला वन और ये वाला वन भी ऐड होंगे, तो वन और वन ऐड होके इक्वल में अपने पास अब क्या बचेंगे, इक्वल में अपने पास हो गया वन और वन टू, ठीक है। यानी मैं इक्वल में क्या लिख देता हूँ वन और वन टू। अब यहाँ पे देखोगे देखो ये तो वन होता है इसकी वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है वन, यानी फाइनली इसकी वैल्यू अपन को पूछी थी, और ये कितनी आ रही है टू आ रही है, देखो अपने पास। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। करना क्या है, एक्स की वैल्यू अपन को दे रखी है, वाई की वैल्यू अपन को दे रखी है, और पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर क्या होगा। तो अपन भी क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू इनको भी दोनों तरफ स्क्वायर करके निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स का स्क्वायर करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ देखो एक्स का स्क्वायर करता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस का टू ए बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये तो मैंने क्या किया, केवल और केवल एक्स का स्क्वायर किया है। उसके बाद मैं अब वाई का स्क्वायर नीचे वाले लाइन के अंदर करता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा देखो बी कॉट स्क्वायर थीटा कॉट है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना आएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का टू ए बी कोसेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ये तो अपने पास क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म एक्स का स्क्वायर है, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या है वाई का स्क्वायर। अपन को पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ नीचे वाली इक्वेशन को पहले वाली में से माइनस करवा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये वाली चीज तो पूरी की पूरी कैंसिल होगी। यहाँ पे देखोगे आप एक चीज कि यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों के अंदर ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा।
और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो उसको 1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यहाँ से कितना आ रहा है, देखो बी स्क्वायर जब मैं कॉमन लेता हूँ, बी स्क्वायर जब मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर फिर से क्या बचेगा मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। देखो इस चीज को एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, स्लाइड को थोड़ी छोटा कर देते हैं। देखिए अब क्या करता हूँ, देखो मैं इसमें और इसमें मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, ए स्क्वायर को जैसे ही कॉमन लेता हूँ अंदर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसके अंदर मैं क्या कॉमन लेता हूँ, बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ये जो दोनों टर्म्स आ रहे हैं ना इसके अंदर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो बी स्क्वायर जब मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे कितना आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एक फॉर्मूला अपन ने देखा है, आपने अगर पढ़ा हो कहीं पे कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, होता है। तो यहाँ से आप एक चीज देखोगे कि अगर मैं कॉट को यहाँ पे भेज देता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1, क्योंकि कॉसेक इधर भेजेंगे 1 इधर भेजेंगे। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ रहा है प्लस का बी स्क्वायर, तो अपना आंसर कितना होगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, क्लियर है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है अपना क्या होगा आंसर होगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन दे रहा है अपन को m की और n की वैल्यू गिवन है, अपन को पूछा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा। करने के इसको भी दो तरीके हैं गाइस, अपन क्या करते हैं इस बार वैल्यू पुटिंग से करके देखते हैं क्या होता है। अगर मैं देखो थीटा में यानी x की जगह कोई फंक्शन पुट करता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 45, अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो देखते हैं कि मुझे m कितना मिलता है, 45 रखने पर m कितना मिल रहा है, देखो 1 प्लस रूट 3, 1 अपॉन रूट 2, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2, क्लियर है। और n की वैल्यू कितनी मिलती है 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, क्लियर है। अपन को पूछा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है और दोनों को एक दूसरे में से माइनस करना है। तो देखते हैं क्या पूछा है कि एम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 और इस पूरे का स्क्वायर, ये एम का स्क्वायर और ये एन का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 और अपॉन में कितना आएगा 2, ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस है, बीच में माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 2 माइनस का 2 रूट 2 और प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। अब 2 जब मैं इस पूरे के अंदर एलसीएम लेता हूँ तो देखो 2 इस पूरे के अंदर एलसीएम लेता हूँ, ये वाला 2 और ये जो दोनों 2 है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और ये ब्रैकेट के बाहर अपने पास क्या होगा, देखो माइनस होगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये जो है किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा देखो माइनस 2 से माइनस का 2, माइनस का 2 से ये जो प्लस का 2 है कैंसिल आउट हो जाएंगे और प्लस के 1 से ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। ये 2 रूट 2 और ये वाला 2 रूट 2 मिलकर कितना हो गया 4 रूट 2 और 4 रूट 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 2, कितना हो जाएगा 2 रूट 2, मतलब m और n की वैल्यू अपन ऑप्शन के अंदर रखेंगे और अपन देखेंगे कि कहाँ पे मुझे वैल्यू 2 रूट 2 मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ हर एक ऑप्शन के अंदर m और n का मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी रही है, तो मैं क्या करता हूँ m और n को पहले मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो क्या होगा, देखो रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस का 1 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ रहा है देखो 1 बाई 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब एम एन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाई 2 आ रही है। देखो अगर सबसे पहले मैं ऑप्शन डी देखता हूँ तो एम एन इंटू 4 है, क्या 1 बाई 2 को 4 से गुणा करने पर ये चीज आ रही है, क्या नहीं आ रही है, मतलब ये वाला आंसर अपना नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखते हैं, एम एन की वैल्यू अगर 1 बाई 2 है तो कितना होगा, देखो 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, ठीक है,
फर्दर इसको जब अपन आगे लिखते हैं तो कितना होगा, ये जो 2 है इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ और अपन में ये रूट 2, इससे ये कट गया। देखो फिलहाल क्या बच रहा है, रूट 2, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये भी अपना क्या है आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं देखो ऑप्शन नंबर सी की तरफ। सी के अंदर क्या होगा, 1 इंटू रूट के अंदर 1 अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन रूट 2। ये जो 4 है इस 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, और ये जो 2 था ना उसको मैं √2 × √2 लिख रहा हूँ, और अपॉन में ये जो रूट 2 था ये रूट 2 से रूट 2 कट गया। देखो 2 √2 चाहिए था, 2 √2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से गाइस इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं बड़े बड़े आइडेंटिटी लगाकर, वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ऑप्शन से करना ज़्यादा सही रहता है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, एक बार आप खुद भी ट्राई करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x की वैल्यू आपको दे रखी है x = r sin a cos b और y की वैल्यू r sin a sin b और z की वैल्यू दे रखी है r cos a। अपन को पूछा है x² + y² + z² की वैल्यू क्या होगी, तो एज इट इज ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो अपन इस गिवन एक्सप्रेशन के अंदर रख के देखते हैं और क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू जब मैं x² की जगह रखता हूँ तो इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r² sin² a cos² b प्लस y की जगह मैं इस पूरे का स्क्वायर करके लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा r² sin² a और sin² b प्लस z की जगह ये जो है इस पूरे का मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा r² cos² a। क्लियर है? अब अपन को करना क्या है, इस चीज को इस तरीके से सॉल्व करना है कि ताकि यह जो साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर b a वाला जो फॉर्मूला होता है वो एकदम सही तरीके से अप्लाई हो सके और अपना आंसर मिल सके। देखो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि इस पूरे के अंदर r साइन स्क्वायर a जो है कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं r साइन स्क्वायर a कॉमन लेता हूं अंदर क्या बचेगा cos² b + sin² b और यहां पे देखो जो बच रहा है उसको मैं यूं कहीं लिख देता हूं r² cos² ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं, कितना हो गया r². अब देखो ये जो चीज आ रही है इसमें और इसमें r² कॉमन आ रहा है, तो फिर से अंदर क्या बचेगा sin² a + cos² a और ये फिर से कितना होता है, अपन को फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला याद होगा, कितना होगा 1 होगा और r² × 1 कितना हो गया फाइनली r², यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे आज अपन ने 57 नंबर जो क्वेश्चन है वहां तक इस पार्ट के अंदर कंप्लीट किया है। आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन करेंगे, फिलहाल इस पार्ट के अंदर अपन इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे, सॉल्यूशन जो है वो पसंद आए होंगे और आपने साथ साथ में जरूर इनको ट्राई किया होगा। क्लियर है? आगे वाले क्वेश्चन अपन आने वाले वीडियोस के अंदर करेंगे, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।